ये वामन पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा और अग्नि पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा कि यदि नूतन मकान के पाए में एक नारियल के गोले में गुड़ भरकर शमीपत्र रखकर उसको दबा दिया जाए तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती और क्लेश नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी अहंकारी बहू क्यों ना, चाहे कितना भी अभिमान अभिमत्ता रखने वाली सास क्यों ना बहु, उस सास बहु में प्रेम ही रहेगा, क्लेश नहीं हो सकता। उसमें विवाद नहीं हो सकता। उस घर के अंदर जितने भाई रह रहे हो, जितने कुटुंबी रह रहे हो, परिवार रह रहा हो, उसमें क्लेश का कोई मतलब नहीं हो सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, अगर आप भी नया घर बनाने की सोच रहे हैं या नया घर बनाने जा रहे हैं, तो जब भी आप अपने घर की नींव रखें तो आज जो गुरुजी ने बात बताई है उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गुरुजी द्वारा बताया गया आज का ये उपाय अपना नया घर बनाते समय करते हैं तो आपके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं रहती, कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती और साथ में आपके घर में कभी भी कलह क्लेश का माहौल नहीं रहेगा। हमेशा आपके घर में सभी सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहेगा। तो इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, नारियल का एक गोला लेना, नारियल का गोला जिसे हम गट भी बोलते हैं, एक नारियल लेकर उसको छीलकर उसके अंदर से आप गट निकाल सकते हैं या फिर आप पंसारी की दुकान पर जाकर निकला हुआ नारियल का गोला भी आप ले सकते हैं। अब ये नारियल का गोला लेने के बाद आपको साथ में थोड़ा सा गुड़ लेना है। नारियल के गोले को एक साइड से थोड़ा सा काटकर उसके अंदर आपको गुड़ भर लेना है। नारियल के गोले में गुड़ भरकर नारियल के गोले को आप बंद कर देंगे और साथ में आपको शमी पत्र लेने, शमी पत्र आप 5, 7, 11 जितनी आपकी इच्छा हो उतने शमी पत्र आप साथ में ले सकते हैं। नारियल का गोला और शमी पत्र जब भी आप अपने घर की नींव रखें उस समय नींव के अंदर आपको दबाना, ये दोनों चीज नींव में दबाने के बाद अपने घर का निर्माण शुरू करिए। जब आपका घर बनकर तैयार हो जाएगा और आप घर में प्रवेश करेंगे तो इस घर में आपको कभी भी संपदा की कमी नहीं रहेगी और साथ में आपके घर में कभी भी कलेश का माहौल नहीं रहेगा। गुरुजी खुद कहते हैं कि आप एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना, तो अगर आप भी नया घर बना रहे हैं तो एक बार ये उपाय जरूर करना। अंत में आप सबसे यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखना, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए उपाय के साथ, नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।